ओके तो भाई लोग, अगर आप भी स्काई चेंज फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल जी स्टेप में इस फोटो एडिटिंग को सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो 100% इस फोटो एडिटिंग को आराम से सीख जाओगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ से हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद हम टूलविज एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जो कि आपको टूलविज एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, प्रो एडिटिंग पर क्लिक कर देना है। प्रो एडिटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी ओपन हो जाएगी। आप जो भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से हमने मॉडल को सेलेक्ट कर लिए हैं, एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको टूलविज का टूल से दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम स्काई को मतलब चेंज करेंगे, देख लीजिए ये थोड़ा वाइट है स्काई, अब इसमें स्काई ऐड करेंगे। तो स्काई ऐड करने के लिए यहाँ से आपको सबसे पहले टूल से दिया है, ठीक है। तो पहले इस टूल पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपको इसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस मतलब ऑप्शन दिखाई देगा, काफ़ी ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मिक्सर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्लिक करके स्काई को PNG को ऐड करना है, मतलब स्काई बैकग्राउंड को ऐड करना है, जो कि आपको इस बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम स्काई बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से हम ब्लेंडिंग मिक्सर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक ओरली का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ओरली पर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नॉर्मल के बगल में मल्टीप्लाई है, इसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से देख लीजिए जो फेस में इफेक्ट है मतलब ब्लू इफेक्ट आ जा रहा है, अब इसे रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए यहाँ से आपको मास्क का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको इतना सारा ऑप्शन दिखाई देने के बाद एक रिजर का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जहाँ पर भी ब्लू इफेक्ट है उसमें आके कुछ इस तरह से रिमूव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से राइट कर देना है, तो ये रहा राइट का बटन मतलब ऑप्शन दिया, उसके बाद राइट कर देना, ठीक है। तो देख लीजिए वन स्टेप में काफ़ी अच्छी तरह से स्काई को चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो घास है हम इसको कलर चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा डार्क कलर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से आपको कलर को एडजस्ट करने के लिए टोनिंग का एक टूल्स दिखाई देगा, इसमें क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक SLR का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप SLR पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग्स, मार्क्स, इफेक्ट। तो यहाँ से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे, एंड इसका सैचुरेशन को कुछ इस तरह से कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद येलो कलर पर क्लिक करेंगे, इसका भी सैचुरेशन को कुछ इस तरह से कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा ब्लू कलर पर आ जाते हैं, सियान कलर पर आते हैं, तो सियान कलर पर क्लिक करते हैं, एंड इसका सैचुरेशन को कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं। उसके बाद राइट कर देते हैं। अब राइट करने के बाद देख लीजिए पिक मतलब जो घास था वो डार्क कलर हो गया है। अब फोटो मतलब पूरे फोटो में इफेक्ट देंगे, ब्लू इफेक्ट, ताकि पिक और अच्छी तरह से लगे। तो उसके लिए यहाँ से आप फिर से टोनिंग पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से आपको कर्व का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना है। कर्व के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू है, तो आपको ब्लू पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर की ओर ले जाना है, उसके बाद इसे राइट कर देंगे। अब राइट करने के बाद देख लीजिए फोटो तो अच्छी लग रही है यार, फिर भी इसमें थोड़ा ब्राइटनेस की कमी आ गई है, ठीक है। तो ब्राइटनेस देने के लिए यहाँ से आपको टोनिंग पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपको ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 3 पर, एंड इसका कंट्रास्ट को रख लेना है आपको 16 पर, ठीक है। अब इसे राइट कर देंगे। तो देख लीजिए फोटो काफ़ी अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ से आपको मेमोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपकी पिक सेव हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।